हेलो एवरीवन, आपको जो ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देखिए दो कारण है सीधी सीधी बात। पहला कारण ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन से आपको बचना है, दूसरी बात गलत तरीके की पढ़ाई नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गलत तरीके की पढ़ाई करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के चलते हैं। एक सही इन्फॉर्मेशन मैं ये देता हूँ आपको कि आपकी एई और जेई की यूपी पिछल में वैकेंसी पेंडिंग है 2022 के लिए, वो वैकेंसी आपकी अब तक आ जाती लेकिन कुछ कारण बस नहीं आई है। इन वैकेंसीज का आना तय है और ये भी तय है कि बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आएगी। अब आप ये मत पूछेगा कि एक्सपेक्टेड डेट कब तक आएगी, कमेंट में ये मत पूछेगा, बस इतना सा आप जान लीजिए, इतनी सी बात आप जान लीजिए कि एई और जेई दोनों की वैकेंसीज पेंडिंग है, आएंगी। TZ2 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, एग्जाम आपका होना बाकी है, मैंने बहुत पहले इसके बारे में बता दिया था। रियल बात करते हैं, अथेंटिक बात करते हैं, गुमराह होकर के बात नहीं करते हैं। क्या अपने दिल से पूछिए कि अगर ये वैकेंसी आपकी आज रिलीज हो जाती है, नोटिफिकेशन अभी आउट हो जाता है, तो क्या इस नोटिफिकेशन आउट होने के बाद अगर एक दो महीने में इसका पेपर होता है तो आप एग्जाम निकाल पाएंगे बिना उन सब्जेक्ट को पढ़े जिनको पढ़ना जरूरी था और आपने अभी तक नहीं पढ़ा? थोड़ा अपने दिल से पूछिए, 3-4 महीने का समय है, पढ़ लो अच्छे से कायदे से। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरा पेड कोर्स लो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ, मेरा व्यूज बढ़ाओ। व्यूज बढ़ने से 10-20 रुपए मिल जाने से हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पेड कोर्स में आप ज्वाइन हो या ना हो, हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें एक चीज मिलने वाला है कि जो मेरा डेडिकेशन है, जो मेरा ख्वाब है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का, मजबूरी है कि मैं आपको YouTube के माध्यम से ही दे सकता हूं और YouTube पर दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो पेड क्लास में जुड़ें या ना जुड़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन YouTube पर फ्री की बात जब है तो फ्री की बात में जुड़ना तो बनता है। और सेम मटेरियल, सेम कंटेंट, वही जो आपके यूपी पिसल में आएंगे उसी पर यहां पर काम किया जाता है, वही पढ़ाया जाता है, अथेंटिक बात करेंगे। वैकेंसी देखो आनी है, ए और जेई दोनों की आनी है और आएगी। पहले से जो इसके पहले वैकेंसी आई थी इससे थोड़ा बढ़ के आएगी, ये भी आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि नए सब्जेक्ट अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, अभी वक्त है, संभल जाओ। नहीं तो अगर आपके मार्च अप्रैल के आसपास अगर वैकेंसी देखने को मिल गई ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी और उस टाइम पे कवर भी नहीं हो पाएगा। क्या करोगे कवर? ये करोगे कि फिर आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसको डोमेन को करोगे, डोमेन ये भी इसको करो। तो जुड़िए हमारे साथ डेली बेसिस पर, हम लोग 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई को करेंगे। आप अपना 1.5 घंटा हमें दीजिए, आपका 23 घंटा मैं सही कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और आपको ये जरूर से लगेगा कि हाँ, यूपी पिसल में जाने का जो रास्ता है वो इंजीनियर सोशल एकेडमी से होकर ही होता है। तो वैकेंसी की चिंता दिमाग से निकाल दें, सिर्फ आप पढ़ाई करें, ये सोचें कि कल को अगर वैकेंसी आती है तो आज हम तैयार हैं कि नहीं है। बाकी ये 100% है कि जेई और एई की वैकेंसी बहुत जल्द आपको यूपी पिसल में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।